देखिए दोस्तों, मैथ के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका व्यास की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त ऐसा होता है दोस्तों, इसका परिमाप ज्ञात करना है दोस्तों। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, इसका आधा है, 2 से 2 चला गया, 22/7। आर कितना है? व्यास 21 है, 21/2, 7 या 21, 2 से 2, 11 या 33। 33 तो दोस्तों ये बाहरी हो गई, और इसकी अंदर अंदर का ये व्यास आ जाएगा 21, 54 सेमी। अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, एक निश्चित कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। बी, ए से 60 अधिक कार्य कुशल है। 32, 160/100, 60 से 0 से 0 चला जाएगा, 100 गुना 32। बी, इस काम को 20 दिन में कर सकता है। आगे देखिए दोस्तों, 12 + 12 × 12 − 12 / 12। 12 + 144 − 1, 11, 155। आगे देखिए दोस्तों, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 रुपये होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे विक्रय मूल्य कितना कितने क्या नहीं 15% मतलब 17 बेचना कितने में है दोस्तों? 83 में। यह कितने बार? 11 बार। 23 × 11, 23 25,300 रुपये में बेचेगा तो 15% का लाभ होगा। आगे देखिए दोस्तों, 30 रुपये प्रति मीटर की दर से उस भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने में लागत क्या थी जिसका क्षेत्रफल 100 मीटर और एक भुजा की लंबाई 20 मीटर? यह कितनी दोस्तों? 20, क्षेत्रफल 100 मतलब ये 5, तो 40, 50 × 30, 1500 रुपये। 2 कोष्टक 20 + 5। आगे देखें दोस्तों, छठवां, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊंचाई 15 है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बेलन होता है ऐसा होता है दोस्तों। इसके 12 बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 πr h + 2 πr² 2 πr 2 πr 2 πr, आर प्लस एच, 2 × 22 बटा, यहाँ कर लेते हैं दोस्तों, 2 × 22 बटा 7 × आर कितनी दोस्तों? 7 × r + 17 = 5, 15 × 17 = 22, 7 से 7 चला जाएगा दोस्तों। 22 × 22 484 × 2, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 1 × 4 = 968 सेंटीमीटर² आगे देखिए दोस्तों, 7वां क्वेश्चन, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। 15 और 20 घंटे में। तीसरा पाइप सी पूरी भरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। इनका लघुत्तम दोस्तों 60, 15 × 4 = 60, 20 × 60, 30 × 60। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, 4 + 3 बनने वाला, 2 खाली करने वाला, 4 × 3 = 7, 7 − 2 = 5, 60/5, 12 मिनट दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, सपना 60 मिनट में 21 संतरे खा सकती है। वह जानना चाहती है कि उसके समान गति से 35 संतरे खाने में कितने मिनट लगेंगे। 60 मिनट में 21, 3 का भाग देंगे दोस्तों 7, 20 मिनट में 7, तो 35/7, 5, 5 × 2 करेंगे दोस्तों 100 मिनट, 100 मिनट में 35 संतरे खाएंगे। आगे देखें दोस्तों, 156.025 + 251.216, 216 − 52.156 का मान क्या होगा दोस्तों? पहले जोड़ लेंगे, 156.025 251.216, 6 × 5 = 11, 1 × 2 = 3, 4 × 2 = 7, 5 × 10 1 × 2 = 3, 4, 407.241 − 52.156, 11 × 11 = 5 दोस्तों 3, 13 × 13 = 5 = 8, 0, 7 × 2 = 5, 40 × 5 = 35, 355.085। 10वां क्वेश्चन देखें दोस्तों, यदि दो संख्याओं का औसत 26, a + b = 52, यदि उनमें से एक संख्या 12 तो दूसरी संख्या
एक कितना है दोस्तों 12, तो दूसरी कितनी होगी 52 - 12, बी बराबर कितना दोस्तों 40। धन्यवाद दोस्तों।